हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनु छाबड़ा। आज मैं लेकर आई हूँ इस सॉफ्ट इंडियन वेयर मेकअप लुक का ट्यूटोरियल। मुझे ये लुक बहुत ही अच्छा लगता है, किसी भी इंडियन वेयर के साथ जाएगा। डे टाइम पर अगर आप इसे क्रिएट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप ये आपको अच्छा लगे और आपके लिए यूज़फुल हो। इसे आप आने वाली ईद के लिए भी कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का मॉइस्चर लोशन, जो कि मेरा फेवरेट है। मेकअप के अंडरनीथ बहुत ही अच्छा काम करता है, स्किन को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखता है। फॉर माय प्राइमर आई एम यूजिंग स्मैशबॉक्स फोटो फिनिश प्राइमर। ये प्राइमर काफ़ी अच्छा है, अगर आपकी स्किन पर टेक्स्चर है, ओपन पोर्स हैं, तो उन्हें ये ब्लर आउट कर देता है और फाउंडेशन भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से स्टे करता है। फॉर माई कंसीलर टुडे आई एम यूजिंग नाइका कंसील एंड करेक्ट पैलेट इन द शेड आई थिंक इट्स 01। और इसमें से मैं ये फर्स्ट शेड ले रही हूँ। ये पीच अंडरटोन का कंसीलर है, इसलिए ये मेरे डार्क सर्कल्स को कैंसिल आउट करेगा। और इसी से मैं अपने फेस पर स्पॉट करेक्टिंग भी करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे ब्लेमिशेज हैं, एक्ने के मार्क्स हैं। एंड नाउ आई एम ब्लेंडिंग दिस कंसीलर विद माई ब्यूटी स्पॉन्ज। मुझे पर्सनली स्पॉन्ज से ब्लेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है कंसीलर को। अगर आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, या ब्रश भी नहीं तो आप फिंगर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है और प्रोडक्ट भी जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। एंड नाउ यू कैन सी कि मुझे अपर लिप्स पर भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, इसलिए मैं वहाँ पर भी इस कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ और फिर इसे भी ब्लेंड कर लूँगी। फॉर माई फाउंडेशन आई एम यूजिंग मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन एंड माई फेवरेट पैक HD लिक्विड फाउंडेशन। ये दोनों फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है, बिकॉज मेबलिन सुपर स्टे थोड़ी मैट है और पैक स्टूडियो फिनिश जो है बहुत ही अच्छा फिनिश देता है, साटन लाइक फिनिश है, इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसे अब मैं अपने ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ब्रश से थोड़ा कवरेज अच्छा मिलता है। इसके बाद मैं ब्यूटी स्पॉन्ज से एक बार अपने फेस पर हल्के से डैम्प कर लूँगी, ताकि कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट हो वो ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर ले और स्किन पर बहुत ज़्यादा केकी नहीं लगे फाउंडेशन, क्योंकि समर्स का टाइम है तो ज़्यादा फाउंडेशन जो है कई बार केकी हो जाती है। टू सेट माई फेस आई एम यूजिंग बेका हाइड्रेटिंग पाउडर, और ये पाउडर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। अंडर आई एरिया पर तो ये मैजिक की तरह वर्क करता है। आई एम लविंग दिस पाउडर करंटली। एंड नाउ टू गिव बैक वॉर्म्थ टू माई स्किन आई एम यूजिंग लॉरियल ब्रॉन्ज डुओ। इससे मैं अपने फेस को कॉन्टूर भी करूँगी और एक तरह से ब्रॉन्जअप भी करूँगी। फॉर माई आई मेकअप टूडे आई एम यूजिंग फोकल योर एंडलेस पॉसिबिलिटी पैलेट, और इसमें से मैं ये लाइट पीचिश कलर ले रही हूँ और इसे अपनी क्रीज से ऊपर ट्रांजिशन कलर की तरह ब्लेंड करूँगी। इस कलर को थोड़ा इंटेंसीफाई भी करूँगी, क्योंकि ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा ही डार्क है। इसे मैं अपने आइज़ के आउटर कॉर्नर्स में भी ब्लेंड करूँगी। सेम कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी ब्लेंड कर रही हूँ। बेसिकली मैं अपनी आईज़ की शेप यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि मैं लिड एरिया पर जो भी कलर अप्लाई करूँ वो इस कलर के साथ ब्लेंड हो जाए। नेक्स्ट मैंने पैलेट में से ये लाइट मॉविश कलर लिया है
और अब मैं एक पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपनी क्रीज में ही ब्लेंड करूँगी। क्रीज में ब्लेंड करने के लिए इस तरह से मैं अपने आईज को थोड़ा सा ओपन करके इस ब्रश को अपनी क्रीज में ही रखूँगी, ताकि ये कलर इधर उधर नहीं फैले। और इस तरीके से ये ऊपर वाले ट्रांजिशन कलर के साथ भी ब्लेंड हो जाएगा, और फिर इसे आउटर कॉर्नर्स में भी ब्लेंड करूँगी। द ब्रश आई एम यूजिंग हेयर इज फ्रॉम मॉर्फी। ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, बहुत सॉफ्ट है। अब सेम कलर को मैं लोअर लैश लाइन पर भी ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं एक बार फिर से फर्स्ट ब्रश ले रही हूँ। इस पर मैंने कोई कलर नहीं लिया है, बट मैं एक बार इन दोनों कलर्स के एजेस को ब्लेंड करूँगी, ताकि कोई हार्श लाइंस नहीं रहें। और अब मैं पैलेट में से इन दोनों शिमरी कलर्स को ले रही हूँ और इसे अपने लिड एरिया पर लगाऊंगी, क्योंकि फिंगर से शिमरी कलर ज़्यादा अच्छे से पिगमेंट देते हैं, इसलिए मैं इसे फिंगर्स से ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो अपने ब्रश को सेटिंग स्प्रे से वेट कर सकते हैं और उसके बाद इसे लगा सकते हैं। देन आई एम अप्लाइंग काजल एज अ लाइनर, और मैं यहाँ पर फेसेस कैनेडा का काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपनी अपर लैश लाइन के बिल्कुल पास में एक थिन लाइन क्रिएट करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा मैं प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें इसे बाद में स्मच ही करना है। आप चाहें तो यहाँ पर विंग लाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बोल्ड लुक चाहते हैं। बट मुझे इस लुक को थोड़ा सॉफ्ट रखना था, थोड़ा वियरेबल रखना था डे टाइम पर, तो इसलिए मैंने इसे स्मच काजल करके यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर एक पेंसिल ब्रश पर ब्लैक मैट आई शेडो ले रही हूँ और उससे इस काजल को स्मच कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग द सेम आई पेंसिल इन माई वाटर लाइन ऑल्सो। आप चाहें तो वाटर लाइन पर वाइट पेंसिल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई कलर्ड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, जिस कलर का आपका आउटफिट हो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसे भी ब्लैक मैट आई शेडो से स्मच कर रही हूँ, सो दैट ये एक सॉफ्ट लुक दे अपने आईज़ के आउटर वी को भी मैं थोड़ा सा स्मच कर लूँगी। अब मैं अपने फॉल्सेस के लिए अपने लैशेस को प्रेप कर रही हूँ। आई एम कर्लिंग माय लैशेस, अप्लाइंग मस्कारा, और मैं फॉल्सेस लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। एंड हेयर आई एम यूजिंग माय वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट, और इसमें से मैंने ये शिमरी रोज गोल्ड कलर लिया है। इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स को और ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। फॉर माई ब्लश आई एम यूजिंग शुगर कॉस्मेटिक्स मैट ब्लश। शेड नंबर मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर लेना। बहुत अच्छा ब्लश है, मैट फॉर्मूला है, काफ़ी ब्लेंडेबल है। To set my face, I am using L'Oreal Infallible Setting Spray. Spray करने के बाद मैं अपने face पर beauty sponge से धीरे धीरे dabbing कर लूँगी, ताकि कोई भी powderiness हो वो ख़त्म हो जाए। और summer makeup में ये step काफ़ी help करता है makeup को stay करने में। For my highlight, I'm using ColourPop Super Shock Highlighter in the shade I think it's Lunch Money. और इसे मैं अपनी फिंगर से ही लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ब्लेंड नहीं होते हैं ब्रश से। For my lips, I'm using Nykaa lip pencil in the shade Dirty Secrets, I think. इसे मैं अपने lips को line भी करूँगी और fill भी करूँगी।
And for lipstick, I'm using my favorite MAC मेहर. इसे मैं अपने फिंगर से ही अपने लिप्स के सेंटर में ही अप्लाई कर रही हूँ. आई वॉन्ट कि ये पीचिश न्यूट कलर और इस मेहर कलर का मिक्सचर मुझे चाहिए जो कि मेरी आईज से मैच करे. एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक गाइज. आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा होगा, वियरेबल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल. सो गाइज़ मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.